हेलो क्लास 9, आज हम शुरू करेंगे अगला पाठ हमारा, जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी और रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर जी। तो ये जो रीढ़ की हड्डी पाठ है, यह एक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है नाटक का एक भाग। यहाँ पूरा नाटक नहीं है, बल्कि उसका एक भाग है जिसे हमने यहाँ पढ़ा। तो हम जब पढ़ रहे थे तभी हमें लग रहा था कि यह एक जैसे कि पर्दे पर हम देखते हैं उस तरह से अभिनय किया गया होगा, क्योंकि संवाद जो हो रहे हैं, एक कह रहा है, दूसरा उसका उत्तर दे रहा है, इस तरह से यह कहा गया है। और संवाद के माध्यम से अर्थात बातचीत के माध्यम से यह पूरा जो पाठ है वह पूर्ण होता है। तो यह एक एकांकी है, और एकांकी अर्थात नाटक का एक अंग। तो इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने हमें क्या कहना चाहा है, यह हम बात करेंगे। तो जब हमने एकांकी को पढ़ा, तो एकांकी में कुछ पात्र थे, तो उन पात्रों के द्वारा लेखक कुछ कहना चाहते हैं। उन पात्रों के व्यक्तित्व के द्वारा लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि समाज में किस तरह के लोग हैं। जैसे कि गोपाल प्रसाद है, जो कि शंकर का पिता है, वह उसकी एक अपनी मानसिकता है, उसके अपने विचार हैं, जिस विचार के तहत हम देखेंगे कि वह रूढ़िवादी मानसिकता को महत्व देता है, उसका साथ देता है। और रूढ़िवादी मानसिकता के अंतर्गत वह लड़कियों को चाहता है कि वह कम पढ़े लिखे, ज़्यादा उसे शिक्षा ना दी जाए, स्त्री शिक्षा के एक तरह से वह विरोध है। और अपने लड़के के लिए वह ऐसी बहू चाहता है, ऐसी लड़की चाहता है जो कि कम पढ़ी लिखी हो। और इसके पीछे मानसिकता क्या है कि कम पढ़ी लिखी लड़की ही को हम अच्छे से अपने अधिकार में रख सकते हैं, उससे जो चाहे करवा सकते हैं, और वह उसका विरोध कभी नहीं करेगी। तो यह एक मानसिकता है जिसके तहत वह ऐसा चाहते हैं, और इस तरह से वह अपने लड़के का रिश्ता वहाँ ले जाते, चाहे लड़के का व्यक्तित्व कैसा भी हो, वह कितना ही निम्न व्यक्तित्व का हो, नीच काम कर चुका हो, पर यह मायने नहीं रखता है। वह लड़का है, यह उसके लिए उच्च मान्यता का एक स्तर है। तो इस तरह से यहाँ दिखाया गया कि किस तरह से गोपाल प्रसाद की एक मानसिकता है, जिस मानसिकता के तहत वह अपना एक व्यक्तित्व गढ़ते हैं, और उस व्यक्तित्व से वह समाज को दर्शाते हैं कि समाज में भी ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि इस तरह की मानसिकता से ग्रस्त हैं। और उसके साथ साथ एक तरफ रामस्वरूप जी हैं, जो कि उमा के पिता हैं, जो कि पूरी तरह से गोपाल प्रसाद के विचारों का समर्थन नहीं करते हैं, पर वो विरोध भी नहीं करते हैं। जब उन्हें गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कियां कम पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वो अपनी बहू भी कम पढ़ी लिखी चाहते हैं, तो इसका विरोध वो नहीं करते हैं, बल्कि वो सोचते हैं कि मेरी जो बेटी है उमा, वह तो उच्च शिक्षा प्राप्त है, फिर भी उसकी शिक्षा को वह ऊँची शिक्षा नहीं बताते हुए, उसे छिपाते हुए वह चाहते हैं कि मैं उमा के बारे में सच न बताते हुए उन्हें बताऊं कि वह बस पढ़ी लिखी है, उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं है, बल्कि वह सिर्फ पढ़ी लिखी है, और जिस कारण उसका विवाह उस घर में हो जाए। तो यहाँ पे वह विरोध भी नहीं कर रहे हैं, पर यह विरोध ना करना एक तरह से समर्थन है, क्योंकि हम अगर चुप हैं अर्थात हम उसका समर्थन कर रहे हैं, उस गलत चीज़ का। तो यहाँ पे रामस्वरूप भी हम देखेंगे कि जितना दोषी समाज में गोपाल प्रसाद जैसे लोग हैं, उतने ही दोषी रामस्वरूप जैसे लोग भी हैं, जो कि इन सब मानसिकता का, इन सब विचारों का विरोध नहीं करते हैं और चुपचाप उसे स्वीकार करते हैं। और एक यहाँ पात्र है शंकर, जो कि जिसका विवाह का रिश्ता लेकर उसके पिता उमा के पास आते हैं, और उसका एक चरित्र है, यह है कि वह समाज में सम्मान का दर्जा तो नहीं रखता है, क्योंकि वह इस तरह के कार्य कर चुका है जिसके कारण उसकी समाज में खिल्लियाँ उड़ चुकी हैं। तो फिर भी वह लड़का है, इस कारण वह एक अलग दर्जा रखता है समाज में। इस तरह की मानसिकता लोगों में है कि लड़का है तो वह जो भी कुछ कर सकता है, और लड़की है तो उसे संभल कर सावधानी से चलना है, नहीं तो उसमें 10 तरह के लांछन लगवाए जाएंगे। तो जब ये सब चीज़ें उमा चुपचाप पहले देखती हैं, पर अगर वह चुपचाप स्वीकार कर लेती तो शायद यह शोषण आगे भी चलता और आगे भी और बढ़ता, पर वह इन सब चीज़ों को देखते हुए वह इसका विरोध करती है, और वह
शंकर का, शंकर के व्यक्तित्व को वो जो जानती है उनके, उसके बारे में जो वो जानती है वह भी वह सामने रखती है उसके पिता गोपाल प्रसाद के सामने, और गोपाल प्रसाद को उत्तर भी देती है। तो इससे पता चलता है कि समाज में हर तरह के लोग हैं, और शोषण करने वाले, शोषण को स्वीकार करने वाले चुपचाप, और शोषण का विरोध करने वाले भी। तो विरोध करने वाले जो लोग हैं इनकी संख्या कम है, इसीलिए यह शोषण बढ़ता जाता है। पर अगर विरोध करने वाले ऐसे लोग जो उमा जैसे लोग, उमा जैसी लड़कियां बहुत तादाद में हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, हर लड़की यह सोचने लगे कि हमने जो शिक्षा प्राप्त की है, हमने जो उच्च शिक्षा ली है, हम उसे क्यों छिपाए, हम ये क्यों दिखाए कि हमने शिक्षा नहीं ली है या फिर हमने कम शिक्षा ली है, यह ना दिखाते हुए अपने आप के, अपने सम्मान के लिए वह अगर खड़ी हो जाए और उमा जैसे अपने हक के लिए वह विरोध करे, तो शायद यह शोषण एक ही बार में समाप्त तो नहीं होगा पर यह कुछ हद तक कम ज़रूर होगा। तो ये इस संवाद जो ये एकांकी में दिखाया गया है, इसके माध्यम से रचनाकार ने हम पाठकों तक यही संदेश पहुंचाया है कि समाज में बुराइयां हैं और बुराइयों को स्वीकार करने वाले लोग भी हैं, और जो विरोध करने वाले लोग हैं वो शायद बहुत कम हैं। तो हमें वह ऐसा व्यक्तित्व बनाना है जो कि इन शोषणों का, इन गलत विचारों का विरोध कर सके, तभी समाज का विकास संभव होगा, समाज का शुद्धिकरण होगा और समाज का स्वच्छ रूप सामने आएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इसे अपना सकते हैं, और जब कभी हम कोई गलत चीज़ें देखें या फिर कोई गलत कर रहा हो उसका हम चुपचाप, उसे हम चुपचाप अगर देखेंगे तो मतलब हम उसका समर्थन कर रहे हैं, हम अगर उसका विरोध करना चाहते हैं तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, तभी हम उसका विरोध करेंगे। और ऐसे अगर एक एक इंसान, एक एक व्यक्ति यह विरोध करना शुरू कर दे तो निश्चित ही कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद यह जो गलत चीज़ें हैं, गलत विचार है समाज में, ये ज़रूर खत्म हो जाएगी। तो प्रयास एक से ज़रूरी है और यह प्रयास धीरे धीरे ही सफलता की ओर हमें ले जाएगा। तो इस कहानी के माध्यम से हमें रचनाकार ने यही बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।